हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इसमें भी हम लोग क्या पढ़ते हैं इस समय, तो ज्यामिति। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या सीखा था, तो हम लोगों ने सीखा था अर्धवृत्त का परिमाप निकालना। एक अर्धवृत्त का परिमाप, या फिर इसको हम लोग परिधि भी बोलते थे बेटा, ठीक है? एक टॉपिक हम लोगों ने ये सीखा था। और क्या सीखा था? हमने सीखा था वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो अगर आपको याद है तो वृत्त के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना? पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या होता है तो वृत्त की त्रिज्या होती है। और अगर अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि परिधि के बारे में बात करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला आता है पाई प्लस टू इंटू आर। बेटा क्या हम लोगों ने इतना पढ़ाई कर ली थी? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दो, ठीक है? जी हाँ, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। और अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जो कि है रिकॉल टेस्ट, ठीक है? इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया, सॉरी पोल सेक्शन ऑन कर दिया। यस सर अब दोबारा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, हम लोगों ने पिछले क्लास में वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाई की है, ठीक है? सर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना। अच्छा, अर्धवृत्त के बारे में बता दूं, ठीक है? तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बेटा, ठीक है, अभी तो मैंने परिमाप ही सिखाया है, क्षेत्रफल भी आज बताऊंगा। तो अर्धवृत्त के जो परिमाप होते हैं वो कितने होते हैं? पाई प्लस टू ब्रैकेट में आर, ये होता है सूत्र, जहां पे आर क्या है? आर वृत्त की त्रिज्या है, ये है, ठीक है? चलो इसको और अच्छे से मैं समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये सवाल करो जो कि आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिखा हुआ। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है? योगिता, मैंने तुमसे बोला था ना कैमरा ऑन नहीं करना है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। देखो बेटा, ये इतना आसान सवाल नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इसलिए आपको कम से कम 2 मिनट का वक्त दिया गया इस सवाल को लगाने के लिए, ठीक है? आपके पास 2 मिनट है, बड़े आराम से इसको लगाओ, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? ओके सर, यस, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एक मेरे लाइन, सामने ठीक है? ये सब क्वेश्चन जो भी हैं ये एक लाइन में नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा इफर्ट डालना पड़ेगा। यस सर, ओके। एक बार अद्वित का परिमाण बताना। अभी नहीं बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। बेटा ये संजन आपसे जो भी है बार बार ओके ओके मत करो, कुछ भी बोलना है तो चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, जो कि अभी मैं ऑन करूंगा, माइक मत ऑन करो।
चलो मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, अब इसका आंसर लिख सकते हो आप लोग। बात होना रोहित, होना रोहित नाम का जो बच्चा है, है। संजय माइक मत ऑन करो बेटा, कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करो, ठीक है? कुछ भी अगर बोलना है तो चैट बॉक्स में बोलो ना आप लोग, मैंने चैट बॉक्स ऑन भी कर दिया है। समझा दो। हाँ बिल्कुल, देखो बेटा इसको मैं समझा देता हूँ। देखो क्या बोला है, लिखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल इस सवाल में दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है बेटा वो दे रखा है कितना, 616। तो आपसे बोला क्या है कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात करनी है आपको। एक बात बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है? मुझे इतना बताओ, क्या ये लाइन समझ में आई? दूसरी वाली लाइन, जैसे दूसरी वाली लाइन है बेटा, क्या आप यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखना, पाई की वैल्यू होती है 22/7, मैंने यहां पे रख दिया, देखो पुट कर दिया, ऐसे। तो अब यहां पे 616। अच्छा एक बात और देखो, एक लाइन मैं तुमको समझा देता हूं ताकि तुम लोग को अच्छे समझ में आए। ये जो 22 है ये मल्टीप्लाई करेगा ना बेटा आर स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा कितना, 22 r² / 7 इज इक्वल्स टू 616। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इतना समझ में आया? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया अच्छी बात है। अब क्या करो, 7 का यहां पे बेटा मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरिया कबूरा जिसको बोलते हैं, तो 616 × 7 हो जाएगा ऐसे। देखो जगह की कमी है, स्वीकार ठीक है, जगह की कमी है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। ये हो जाएगा r² बराबर 616 × 7 भागा 22। यानी कि करना क्या है आपको, करना ये है कि आपको 616 को डिवाइड कर देना है 22 से। ठीक है बेटा, 616 को डिवाइड किससे कर देना है, 22 से कर दो, कितना आएगा पता है, जब इसको कट करोगे बेटा तो आएगा 28। ठीक, बताओ इतना समझ में आया? लिखते जाओ, एक एक लाइन में पूछते चला जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो। इतना समझ में आ गया, मैंने 616 को भाग दे दिया 22 से। ठीक बताना है योगिता, बार बार चैट बॉक्स का यूज करो, ठीक है, अगर बोलना है तो।
माइक का यूज मत करो। अब देखो 28 × 7 कर लो, ठीक है बेटा 28 × 7 कर लो, कितना आएगा? आएगा 196, यानी आर का वर्ग आ जाएगा 196। तो आर का जो मान होगा वो कितना होगा? अंडर रूट 196, और अंडर रूट 196 का मान होता है बेटा 14। चूंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसलिए जो इसकी त्रिज्या होगी वो सेंटीमीटर में होगी, अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं सीखा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, बाकी बच्चे बताइए। ठीक है, बाकी बच्चे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ गया? किन किन बच्चों को समझ में आ गया? जिनको भी समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, जिनको नहीं आया वो एन लिख सकते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल विनोद, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके आरती, गुड। संजय, तुमको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अयोगिता, तुम्हें भी। ठीक है, क्लास में पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ो तुम लोग। देखो बेटा, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करना तुम लोग, जितने भी बच्चे हैं सब लोग समझने का प्रयास करना। देखो है क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है, कितना ये दे रखा है? तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे बात बताओ सर इतना समझ दोबारा में बता दीजिए। बताओ इतना समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं इसको, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम ही है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ये 616 तो पहले से ही दे रखा था बेटा। तो अब मैंने क्या किया, पाई का मैंने मान रख दिया, पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है, ठीक है, और इसका गुणा किससे करवाया मैंने? तो इसका गुणा करवाया मैंने आर स्क्वायर से। ये बराबर है अभी भी किसके? 616 के। तो अब मैंने क्या किया, 22 का गुणा आर स्क्वायर से कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही अंश में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा बेटा आपका, रुको, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 22 आर स्क्वायर, ऐसे। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बेटा क्या मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है? सब लोग बताइएगा हाँ क्या मेरी आवाज रुक रुक कर आ रही है? नहीं, नहीं ना, तो हाँ बिल्कुल। तो जिस बच्चे को अभी को दिक्कत थी, ठीक है, वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर सकते हैं। हाँ एक बार रीज्वाइन कर सकते हैं, क्या पता नेटवर्क का इशू हो आपकी तरफ से बेटा। ओके क्लियर, बढ़िया। तो देखना मैंने यहां तक आपको सिखा दिया ये, ठीक है। अब क्या किया मैंने, मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये जो 7 है इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इससे, ठीक, जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, और यहां पे क्या बच जाएगा? तो यहां पे बच जाएगा 22 आर स्क्वायर। अब मैंने इसका भी साइड चेंज कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं 616 × 7/22। अब 616 को बड़े आसानी से भाग दे सकते हैं 22 से, जो कि कितनी बार में कट जा रहा है, 28 बार में कट जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो 28 जो बचा है ऊपर और जो 7 बचा है, उन दोनों का क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे, और इन दोनों का ही गुणा सर कराने काट के दिखा दो। पर ये कौन बोला है, बोला कौन है ये जरा बताना चैट बॉक्स में।
लकी। ओके तुमको क्लास से बाहर कर रहे हैं, तुमको क्लास में मिंट भी नहीं करने देंगे। हाँ ये जो लक्की नाम से लड़का है ना, ये जो इतना बदतमीजी कर रहा है क्लास में, इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ और इसको इंटरव्यू नहीं होने दूंगा। हाँ तो लकी को क्लास से बाहर कर दिया गया है, इसको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखो आप, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 196, अब आर की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ। तो आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा रूट में 196। ठीक, 196 होगी, और 196 का अगर रूट निकालोगे तो कितना आता है? 14 आता है। ठीक है, बताओ कितने बच्चों के समझ में। अच्छा 14 कैसे आया, चलो मैं बता देता हूँ कैसे आता है। ठीक है, और कोई डाउट है पूछ लो अभी के अभी, मैं बता देता हूँ बेटा कैसे आ गया 14। बाकी बच्चे अगर किसी को डाउट हो पूछ सकते हो। सर दोबारा दोबारा ही तो बताया मैंने बेटा, ये दोबारा ही तो बताया मैंने, एक बार और बता दो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? ये 22/7 आर का स्क्वायर इसके बाद बता दो। कहां से? अच्छा आई आर के स्क्वायर से नीचे। चलो ठीक है, देखो तो जिस बच्चे को डाउट था कि सर रूट में 196 को अगर यूज करेंगे है ना, तो ये कैसे 14 आ जा रहा है, यही ना सवाल था आपका। इस चीज को मैं बताता हूं, ऐसे आप जब भी रूट निकाला करो बेटा तो इस प्रकार से कर लिया करो। ठीक है, इसको 2 से कट करने की कोशिश करो, कितनी बार में जाएगा ये? 9, 9 2 18, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कट करो तो ये 49 टाइम में कटेगा। फिर देखो ये 3 से नहीं कटेगा ना, तो 2 से कटेगा। जो 49 है वो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इवन 5 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 7 से आसानी से कट जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 196 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो होगा क्या, अब हम लोग बनाते हैं पेयर। ठीक है, पेयर को हिंदी में बोलते हैं जोड़ा, यानी जब दो लोगों का है ना, दो लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं जोड़ा या फिर पेयर। तो 196 का रूट निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे पेयर। देखो पेयर मैंने बना दिया। ठीक, अब जब पेयर बन जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या को लिखते हैं, दोनों संख्याओं को नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक संख्या को लिखते हैं। 7 × 7 है तो सिर्फ 7 लिखेंगे। अब बताओ 2 और 7 का गुणा कराओगे कितना है? सारे बच्चों को समझ में आ गया ये? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जब भी आपसे पेयर बनाने, सॉरी जब भी आपसे रूट बनाने के लिए बोले तो आप पेयर बनाना इस प्रकार से निकाल के। ठीक है, और जितने भी लोगों का पेयर बन जा रहा है उसको बाहर कर देना, और अगर किसी का पेयर मान लीजिए नहीं बनता है तो वो रूट में ही फंस कर रह जाएगा। ठीक है बेटा। ओके, किसी का कुछ और डाउट है? जहां तक हमको लगता है सारे डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देख भी लिया करेक्ट उत्तर कौन सा है, तो बी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या होता है देखो, तो अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसको एक चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए यह जो आकृति आप देख रहे हैं,
ये वाली आकृति जिसको मैं घेर रहा हूँ, जिसको छायांकित कर रहा हूँ, यह क्या है? तो बेटा यह एक अर्धवृत्त है। बताओ सारे बच्चे सहमत हैं इस बात से? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बेटा ठीक है, तो देखो अब इस अर्धवृत्त को, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, और ये जितना भी जगह घेर रहा है, तो मैं ऐसे समझ लो इसको देखो कलर किया गया है, ठीक है, पूरा अच्छे समझ लो इस चीज को बेटा। लेफ्ट वाले इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पे कलर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे राइट वाले फिगर को देखोगे तो कलर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि राइट वाले फिगर से कलर करके ये दिखाया जा रहा है कि देखो ये जो आकृति है वो इतना जगह घेर चुकी है, और जितना जगह ये इसने घेरा है, जितना कलर किया गया है, वह इसकी क्या है, एरिया है या फिर क्षेत्रफल है। बताओ क्या इतना समझ में आया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है इस चित्र में? अगर इतना समझ में आ गया तो वाई लिखो, और अगर नहीं आ गया तो बेटा एन लिखो। ठीक है, आ गया ना? बहुत ही बढ़िया। अब इसका सूत्र का, ठीक है, हाँ, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो आपको याद होगा कि अगर यह पूरा का पूरा वृत्त होता, ठीक है, तो पूरे वृत्त के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये सिर्फ उसका आधा है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बनता है आधा यानी कि हाफ गुड़े पाई आर स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र, किसके लिए? अर्धवृत्त के लिए। बेटा क्या आपको ये समझ में आ गया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? बेटा ये 8:30 बजे वाली ही क्लास है, ये 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक होती है, ठीक है, ये 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही ये होती है, ठीक। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सर, अगर अर्धवृत्त दिया रहेगा तो उसका सूत्र होगा हाफ गुड़े पाई आर स्क्वायर। अब इस पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, इस पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं, जो कि मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है, समझिएगा सारे बच्चे, समझिएगा। मान लेते हैं यह एक अर्धवृत्त है, ठीक है, यह एक अर्धवृत्त है, और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, जबकि दे रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है यानी कि आर जो है ना बेटा, वो है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर का मान कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको हल करना है हमें, ठीक है, अब इसको हमें हल करना है, कैसे करेंगे देखना। अभी को मैंने सिखाया तुमको कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुड़े पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ गुड़े पाई का मान क्या होता है, कोई बताएगा? 22/7 होता है ना, है कि नहीं? पाई का मान 22/7 होता है। बढ़िया, ठीक है, अब क्या करो, आर का भी मान रख दो। आर का मान देखो सवाल में दे रखा है कितना है, 2 है, और 2 का हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है। अब इसको हल करने की कोशिश करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 होता है। क्यों? 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, समझते हो कि 2 को गुणा, 2 का गुणा 2 बार करना है ऐसे, और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, ठीक। आई होप ये सब आपको आता होगा, काफी दिनों से ये सारी चीजें सिखाई जा रही। तो इसको कट कर दो, तो ये 2 बार में कट हो जाएगा। अब बताओ ये 4 का गुणा किस में होगा, तो 22 में होगा, सॉरी 2 का गुणा 22 में ऐसे, तो 22 दूनी 44/7। बेटा इसको डिवाइड करके बताओ दशमलव में कितना उत्तर आ रहा है,
44/7 को डिवाइड करके आप लोग बताइए कितना उत्तर आ रहा है। ये संजय नाम का जो बच्चा, इसको क्लास से मैं बाहर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे क्लास में डिस्टरबेंस नहीं पसंद है। ठीक है, पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए और पढ़ने दीजिए, हमारा यही मानना है। बिल्कुल हाँ आरती, मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 6.2857, यानी इसको लिख सकते हैं 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यह एरिया है इसलिए इसका इकाई मात्रक होगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी इसका वर्ग इकाई मात्रक होगा। ठीक है, ओके। क्या आपको ये समझ में आया कि कैसे निकालेंगे? चैट बॉक्स में मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आपको समझ में आ गया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो किस प्रकार से फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे? ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा कितने लोग सही आंसर करते हैं। एकदम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन और मैंने चैट बॉक्स कर दिया बंद और पोल सेक्शन मैंने कर दिया ऑन। ठीक है, तो सारे बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सारे बच्चे जाइए, ठीक है, सारे बच्चे जाइए और कहां पे आंसर करिए, पोल सेक्शन में। क्यों? क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपके पास 2-3 मिनट का समय है। 2-3 मिनट में इस सवाल को क्लियर करो, सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि ये सवाल तुरंत नहीं लगने वाला बेटा, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे। ठीक है, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक ये सवाल नहीं आएगा, इसलिए जाइए पेन चलाइए और अच्छे से, ठीक है, इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से आंसर करना, लेकिन सही उत्तर देने का प्रयास करना। ठीक है, सही उत्तर देने का प्रयास करना। हाँ, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी जाइए पोल सेक्शन में, इसका उत्तर करिए। योगिता आप आंसर दिखा रही हो, ठीक है, देखें जरा, स्क्रीन साफ नहीं आ रही है। हाँ, आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, सब कुछ एकदम धुंधला सा। अच्छा हाँ, अब क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है, कैमरा बंद कर लीजिए। योगिता, हाँ, विष्णु नाम का बच्चा दिखा रहा है। ठीक है, उमर अंसारी भी दिखा रहे हैं, एक सेकंड बेटा। हाँ, ½πr² ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये बच्चा विष्णु नाम से, विष्णु आपने नाम क्या बताया था? आई थिंक मोनिका बताया था ना, जरा चैट बॉक्स में लिखना जरा। हाँ शोभा, आप दिखा सकते हो आंसर। ठीक है, ½ × थोड़ा सा और क्लियर करो, दिखाई नहीं दे रहा, और ऊपर करो,
फोन फोन को और ऊपर करो ताकि मैं देख सकूं। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। ओके गुड गुड गुड, सो हाँ। और कौन बच्चा दिखा रहा है अपना आंसर? कोई और दिखाना चाह रहा है बेटा? चिराग, ठीक है। ठीक है ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस सवाल को हल करता हूं, ठीक है? सारे बच्चे समझिएगा, सारे बच्चे समझिएगा। सर आप होमवर्क चेक कर रहे हो? नहीं, होमवर्क नहीं चेक कर रहा हूं, मैंने अभी कोई जो सवाल दिया था कुछ बच्चों ने लगा लिया था अपनी कॉपी में, इसलिए मैं उससे इसको चेक कर रहा था। आई बात समझ में? ठीक है देखो, लिखा है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी को मैंने सिखाया था आपको कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। इसी सूत्र का यूज करिए। पाई का मान कितना होता है बेटा? तो पाई का मान होता है कितना? 22/7। उस चीज को लिखिए यहाँ पे। गुड गुडे, ये क्या है? देखो ये है आर का स्क्वायर, और आर यहाँ पे दे रखा है कितना? 14, यानी 14 का हो जाएगा ये स्क्वायर। इसको हल करने की कोशिश करो। देखो 14 का ये स्क्वायर है, यानी 14 को हम लोग लिख सकते हैं कितने टाइम्स? दो टाइम, है ना? 14 का स्क्वायर है, इसलिए इसको 14 को कितने बार लिखेंगे? दो बार लिखेंगे। कट करो इसको, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये 2 से 2 बेटा ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ और सिर्फ 22 और 14। तो इन दोनों का ही गुणा करा दीजिए, ठीक? तो 22 गुणे 14 कर दीजिए, ठीक है? 22 गुणे 14, ठीक? इसको करा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा कि आखिर इसका उत्तर क्या आएगा। तो इसका उत्तर आएगा बेटा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बताओ किन किन बच्चों को ये समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जिनको नहीं आया वो एन लिखेंगे। सर चैट तो ऑन कर दो। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। गुड, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना बेटा? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके बेटा, सर एक बार और समझाना जी। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, ठीक है? ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मूड ऑफ हो जाता है। अमित है ना? अमित को मैंने क्लास से बाहर कर दिया, अब इसको एंट्री भी नहीं मिलेगी। एक सेकेंड, हाँ अब इसको एंट्री भी नहीं मिलेगी, मैंने क्लास से बाहर कर दिया। सो रहा था और बदमाशी भी कर रहा था, है ना? बिल्कुल, मैंने क्लास से बाहर कर दिया बेटा, ठीक है? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अच्छे बच्चों का लॉस हो जाए, बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुरंत मैंने इसको बाहर कर दिया। चलिए आप सभी पढ़िए, आप सभी स्क्रीन पर देखिए, ठीक है? सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, आखिर कमी कहाँ रह जा रही है, ठीक है? सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा क्या है कि हमको सवाल को हल करना है, ठीक? अब सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि सवाल में दे रखा है त्रिज्या,
ठीक, सवाल में त्रिज्या दे रखा है। चलो ये पूरा का पूरा मैंने इरेजी कर दिया ताकि मैं फिर से एक बार समझा सकूं। हालांकि काफी बच्चों को समझ में आ चुका था, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना रह जाए। मैं इसी चीज को दोबारा बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखो आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बेटा मैं ये चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा एकदम ध्यान से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी को मैंने सिखाया हाफ गुणे पाई आर स्क्वायर। बताओ बेटा कितना समझ में आया कि नहीं आया। सर 14 × 14 की जगह पे 28 भी लिख सकते हैं। नहीं, 14 × 14 का मतलब 28 नहीं होता है बेटा। 14 × 14 करोगे ना, तो अगर 14 × 14 बार करोगे तो 196 आएगा। आप गुणा करके देख लो, या तो मैं खुद अभी दिखा देता हूँ आपको। देखना बड़ा अंतर होता है, आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखो 14 × 14 मैं कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि 4 चौके होता है 16। ठीक है, कैरी कराएंगे 1 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, और 1 कितना होता है 5, 14 × 14 होता है। यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यानी कि 14 × 14 में कराएंगे बेटा तो 196 आएगा, ना कि 28 आएगा। 28 कब आता? 28 तब आता जब हम 14 × 14 कराते 2 से, तब लगे 28 आता। तो इस वाली चीज में और इस वाली चीज में बड़ा अंतर है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है दीपेंद्र, तुम अपना काम करो, पढ़ाई करो। ठीक है, हाँ जिसको जो करने का मन कर रहा है करने दो, लेकिन क्लास से बाहर, क्लास के अंदर नहीं। ठीक है, हाँ क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मन से। तो बस पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान रख दीजिए जो कि यहाँ पे सवाल में दे रखा है 14 है, और इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बस इसको हल कर लो बेटा। ठीक है, इसको हल कर लो। तो 14 का स्क्वायर यानी कि अभी को मैंने सिखाया कितना आता है, 196 आता है, या फिर अगर आप इसको 14 × 14 भी लिख देते हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट में आपको आसान बनाने के लिए 14 का स्क्वायर पूरा लिख ही देता हूँ, 196, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जी तो बस इसको आप कट कर दो ना बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 11। क्यों? क्योंकि 11 × 2 = 22 होता है, इसको कट कर दो। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 28 टाइम्स में जाएगा। तो 11 × 28 का मल्टीप्लाई करा दीजिए इस तरीके से। ठीक, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3। आप खुद कर लो, 11 का मल्टीप्लाई 28 में कर लो, 308 आएगा। अतः आपका सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प ए होगा, 308 है सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या अब समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? बताओ बेटा क्या अब समझ में आ गया ना? बहुत ही बढ़िया, नो डाउट, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जब आप लोग समझते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ने देख लिया कि विकल्प नंबर ए सही है। क्यों सही है, मैंने पूरा बता भी दिया। चलो बेटा अब सर आप एक करो, एक क्वेश्चन करो अपने मन से। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको अपने मन से करो। ठीक है, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, जाके इसका आंसर कर सकते हैं बेटा।
सर आ गया आंसर। आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया इसका आंसर तो क्या करो ना, पोल सेक्शन में जाओ, वहां पे आंसर कर दो, ठीक है? कर दिया सर। बहुत ही अच्छी बात, गुड। चलो, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, जिन बच्चों का आ गया वे चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। सर जी पोल बॉक्स में आंसर क्या देंगे जी? अगर पोल बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख दो आप, है ना? वहां पोल सेक्शन में चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जो आपको सही लगे यानी कि जो करेक्ट आंसर हो उसको टिक करना होता है बस। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं, ठीक है? अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा बताता हूं। देखो कैसे करेंगे इसको। लिखा हुआ है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा, आपसे पूछा नहीं है, ये दे रखा है। और आपसे अब की बार क्या पूछ लिया है, तो त्रिज्या के बारे में पूछ लिया है। एकदम जस्ट अपोजिट सा सवाल है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, कि ये दे रखा है, कितना दे रखा है कोई बताएगा? देखो इस सवाल को पढ़ के ध्यान से देखो, 50 पाई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। बताओ बेटा, ये वाली लाइन समझ में आई क्या? ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप खुद बताइए पहले। इतना आ गया ना? ठीक, ओके। तो अब करना ही क्या है, अब पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो साइड है वो अलग-अलग है और दोनों चीजें सेम है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में भी पाई है, राइट में भी पाई है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बताओ, ये कैंसिल वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। तो अब देखो, ये आर स्क्वायर बचा और यहाँ पे वन बचा, इन दोनों का गुणा करा दो तो हो जाएगा आर स्क्वायर बटे, नीचे क्या बचेगा, दो बचेगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 50 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसका। तो 50 में जो ही दो का गुणा कराओगे बेटा, क्या हो जाएगा, 50 गुणे 2 अर्थात 100, ठीक? और जब इस स्क्वायर का साइड आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा रूट, यानी √100। और √100 का जो वैल्यू आता है वो होता है कितना, 10, ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा कितना, 10 सेंटीमीटर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बेटा माइक मत ऑन करो, ठीक है? कुछ भी बोलना है ना तो चैट बॉक्स का यूज कर लो। कि क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए।
ओके गुड। बढ़िया ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने देख लिया इसका करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर बी उसका सही उत्तर होगा। बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बीच संबंध क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बीच में हम संबंध निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले परिधि कहने का मतलब परिमाप। परिमाप के लिए सूत्र मैंने क्या सिखाया था, तो याद करो, जिन बच्चों को अच्छे से याद होगा वो जानते होंगे कि इसका जो सूत्र होता है परिमाप का वो होता है 2 पाई आर। सर आवाज नहीं आ रहा है जी। बेटा क्या मेरी आवाज आ रही है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या मेरी आवाज आ रही है। आ तो रही है बेटा, ठीक है आ रही है। तो मैंने सिखाया था आपको परिधि, परिधि के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर। सर जी कुछ दिख नहीं रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा है जी। अरे ना बेटा क्लास को रीज्वाइन कर लो, सब कुछ दिखाई देने लगेगा, सुनाई भी देने लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से सब कुछ सही है बेटा। क्लास को एक बार लीव करके, ठीक है, कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो फिर मैंने सिखाया था तुमको कि क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर है तो वो कितना होता है, तो वो मैंने सिखाया था तुमको पाई आर स्क्वायर, ये भी सिखा दिया था आपको। ठीक, तो मैंने परिमाप के बारे में सिखाया, क्षेत्रफल के बारे में सिखाया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन यानी कि संबंध निकालना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो क्या करो कि बेटा क्षेत्रफल को भाग दे दो परिमाप से, ठीक है, क्षेत्रफल को क्या कर दो, क्षेत्रफल को भाग दे दो किससे, परी माप से। तो इससे होगा क्या, ठीक है ओके। दीपेंद्र नाम से जो बच्चा है क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो होगा क्या, क्षेत्रफल को जब आप परिमाप से भाग दोगे यानी कि लिखोगे क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, बताओ इतना लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ या ना, यानी कि वाई या एन लिख करके बताओ, क्या आप पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर लिखोगी अगर हम उस चीज को भाग दे रहे हैं तब, लिखेंगे ना बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो जो भी चीजें कट रही है ना उसको काट दो, देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, मैंने कट कर दिया। और देखो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है, आर स्क्वायर का मतलब आप लोग समझते हैं, लिखा हुआ है कि आर इंटू आर, समझने का प्रयास करिए, लिखा हुआ है क्या, ये आर इंटू आर लिखा हुआ है। अब नीचे कौन इंतजार कर रहा है, तो नीचे एक आर इंतजार कर रहा है, देखो नीचे की तरफ क्या है, एक आर लिखा है, और ऊपर की तरफ क्या है, तो आर गुड़े आर लिखा है। तो एक आर से, ठीक है बेटा, इस एक आर से ये वाला एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 आर की जगह पर सिर्फ कितना आर बचेगा, तो एक आर बच जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे पाई और आर दोनों कट गए थे, सिर्फ 2 बचा था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अतः जब भी हम क्षेत्रफल को भाग देते हैं वृत्त के क्षेत्रफल को वृत्त के परिमाप से, ठीक है, तो इसका अनुपात आता है आर बटे 2। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा, इतना समझ में आया। आरती देखो क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया और परिमाप को बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, ओके ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में सीख लिया कि हाँ क्षेत्रफल बटे परिमाप होगा, तो इसका उत्तर आएगा कितना, आर बटे 2। एक बात बताओ,
अगर मैं आपसे बोलूं कि क्षेत्रफल बटे परिमाप है और इसका मान जो है हल करने पे R/2 आ रहा है, तो उस हिसाब से क्षेत्रफल का मान कितना आएगा? तो आपको कि सर यहाँ पे जो परिमाप है उसका गुणा करा दीजिए इस तरीके से, आखिर यही तो कहोगे। तो आर में गुणा हो जाएगा किसका? परिमाप का, और नीचे क्या है? तो 2 है, यानी कि क्षेत्रफल का जो मान आएगा बेटा क्या आएगा? तो आर गुणे परिमाप बटे 2। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा क्या आपको इतना समझ में आया? ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी सारे बच्चों को आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उन एक दो बच्चों के लिए दोबारा समझा देता हूँ। देखो, हमने ये कहा कि क्षेत्रफल बटे परिमाप करोगी तो आता है कितना? R/2। बताओ इतना तो समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया कि क्षेत्रफल बटे परिमाप बराबर R/2, इतना क्लियर है? बढ़िया, इतना क्लियर है। तो अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम बस क्षेत्रफल का मान निकालना चाह रहे हैं इसी सूत्र से। देखो मैं इसको अच्छे से यहां पे लिख रहा हूं कि क्षेत्रफल बटे परिमाप बराबर R/2। तो बेटा ये जो परिमाप है ये गुणा हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो परिमाप का गुणा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल यहाँ पे अकेला बच जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल का मान आएगा R/ परिमाप बटे 2। बताओ अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया है? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, इसी पर आधारित हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, आपको क्या दिया रहेगा? मान लीजिए परिमाप दिया है, तो इस वाले सूत्र का यूज करिएगा और क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। हम तो ये कहेंगे कि इस वाले इस पेज का, इस वाले स्क्रीन का आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पेरीमीटर निकालना हो तो कोई बात नहीं है, क्षेत्रफल का मान रख देना और आर का मान रख देना और उसका साइड चेंज कर देना, तो परिमाप आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो परिमाप निकालना है तब क्या करेंगे? इतना सबको समझ में आ गया होगा, तिर्यक गुणा करा दीजिए। ठीक है, कुछ भी मत करिए, बस तिर्यक गुणा करा दीजिए। तो परिमाप का गुणा हो जाएगा आर में, देखना, परिमाप का गुणा हो जाएगा आर में और क्षेत्रफल का गुणा हो जाएगा 2 में। ठीक है, क्षेत्रफल का गुणा हो जाएगा 2 में, इसलिए अगली लाइन से परिमाप का मान क्या आएगा? परिमाप का मान क्या आएगा बेटा? क्षेत्रफल गुणे 2 बटे आर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर हमसे परिमाप भी पूछेगा तब भी हम लोग निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा क्या करना है, साइड चेंज करना है, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। ठीक है, सारे बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए।
सारे बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए। हो गया। बढ़िया। चलो बेटा, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। अब इसका उत्तर आप लोग चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जो बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर करना चाहते हैं। ओके। ठीक है, अब इसका हल देख लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसका सोल्यूशन जो देख गुणा लेते वो हैं। है, देखो, वृत्त का परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अभी को आपसे मैंने बताया है कि जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, आर गुणे परिमाप बटे 2 के बराबर। बताओ बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले आप इतना बताओ मुझे। ये जो मैंने अभी को लाइन लिखी है, क्षेत्रफल बराबर आर गुणे परिमाप बटे 2, ये समझ में आया कि नहीं, पहले इतना बताओ, तब हम आगे बताएं। आ गया ना? ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक सेकेंड। हाँ, आपको करना क्या है, आपको आर गुणे परिमाप कर देना है, ठीक, बटे 2। लेकिन उसके पहले भी, ठीक है, एक चीज और देखो, यहां पर मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। उस चीज को पहले ऐसे लिखेंगे कि वृत्त का परिमाप, ऐसे लिख लेते हैं, वृत्त का परिमाप बराबर दे रखा है कितना, 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त के परिमाप के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है बेटा, तो 2 पाई आर, और इसका मान किसके बराबर होगा, सर जी, चौवालीस। कुछ भी दिख भी नहीं रहा है और आवाज भी नहीं आ रहा है जी। बेटा क्या मेरी आवाज आ रही है? बेटा क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैंने ये कहा कि वृत्त का जो परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर दे सर रखा जी है। आवाज ही नहीं आ रहा है जी, ना ही कुछ दिख रहा है जी। बाकी बच्चे तो बता रहे हैं कि दिखाई दे रहा है और आवाज भी आ रही है। बेटा जरा बताना, मेरी आवाज क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा क्लियर है यूसुफ, मेरी आवाज क्लियर है। एक काम करो, तुम क्लास को रीज्वाइन कर लो ना, एक बार क्लास को रीज्वाइन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर एयरप्लेन मोड पे लगा के ज्वाइन करो। सर जी कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है जी, एक बार मैं काट के फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ जी। आरती, क्या मेरी आवाज आ रही है? बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, क्या यस मेरी सर, आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज तो आ रही है यार, पता नहीं कहाँ दिक्कत हो जा रही है आप लोगों को। इधर से बेटा सब कुछ सही है ना, सब कुछ ठीक है इधर से। अभी देखो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 होती है, और हमें आर यहां से निकाल लेना है।
तो बताओ 22 को, हाँ इस तरीके से कर देंगे, 44 से, 44 को काट देंगे 22 से, तो 22 दुनिया होता है 44, फिर इस 2 को इस 2 से काट देंगे, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आर बटे 7 बराबर 1, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा बेटा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें आर बताना ही नहीं है, हमें तो वृत्तकार क्या बताना है, हमें वृत्तकार क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो वृत्तकार क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताएगा, अगर हमें त्रिज्या मालूम है, ठीक, अगर हमें त्रिज्या मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं, हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्षेत्रफल बराबर आर गुड़े, ठीक है, आर गुड़े परिमाप, परिमाप का मान कितना दे रखा है बताओ, यहाँ पे मैंने परिमाप लिख दिया, बटे 2, ये सूत्र होता है बेटा, आर का मान, 1 सेकेंड इसको मैं इरेज करके आर का मान लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। देखो आर का मान कितना है, 7 है, और परिमाप का मान कितना है, परिमाप का मान तो सवाल में ही दे रखा है 44 है, अब बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कट कर दो बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, 7 दूनी 14 को 4 हाथ में आया 1, और 7 दूनी 14 = 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या आपको इस समझ में आ गया कैसे मैंने निकाला, ठीक है बेटा, ये क्लास यहीं तक थी, ठीक है, ये क्लास यहीं तक थी, अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए, ओके।